अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि मेरा सारा ऑडियंस ठीक होती है, अल्लाह का शुक्राना हम भी ठीक होता। तो ये मेरा प्रीव्यू जॉब का स्थान है, जहाँ पर मैंने 4 साल पहले यहाँ पर मैंने 1.5 साल जॉब किया है। मैं इसी टेबल पर बैठकर अपना ब्रेक फिनिश करती थी। वैसे हमारा स्टाफ रूम अलग था, बट अगर यहाँ पर बिजी ना हो तो हम टेबल पर भी बैठ सकते हैं और ब्रेक ले सकते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि मैकडोनल्ड कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। जैसे कि ये मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में मैं एक छोटी सी एम्प्लॉइज थी। यहाँ पर मैंने 1 साल काम करने के बाद मेरी मेहनत देखकर उन लोगों ने मुझे ग्रुप का असिस्टेंट बना दिया। यहाँ पर मेरा जॉब होता था मशीन पर, मैंने पैसे लेनी होती थी और मशीन से इनको कूपन निकाल के देनी होती थी, जिसे कैशियर की जॉब भी कहा जाता है। अभी मुझे यहाँ पर जॉब तो मिल सकती थी, बट मैंने ही नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर मुझे बस में या तो कार से आना पड़ता और मैं उस टाइम पे तो आती थी, पर अभी मेरे पास बच्चा है तो जाहिर सी बात है मुझे कार या बस कम्फर्टेबल नहीं है। अभी मुझे जो जॉब मिली है वो मेरे घर के पास ही है, सिर्फ 10 मिनट की वॉक की दूरी पर है, तो वहाँ पर ना मुझे कार या बस की ज़रूरत नहीं होती। मेरे घर के पास वाली जॉब मुझे बच्चे को लेकर कंफर्टेबल है, बिकॉज कि मेरे बच्चे को स्कूल भी मुझे छोड़ना होता है, तो मैं स्कूल के छोड़ के फ़ौरन ही उधर चली जाती हूँ, यानी मुझे बस या कार का टेंशन नहीं होता और मैं बाय वॉक ही चली जाती हूँ। इस रेस्टोरेंट का मैंने जॉब इस वजह से छोड़ा कि मुझसे काफ़ी दूर भी था, मुझे सिटी सेंटर रोजाना आना पड़ता था, और दूसरी ये बात कि मैं फिर मैटरनिटी पे चली गई तो उसकी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। फिर बेबी आने के बाद तो मेरे कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए। अभी का जो जॉब है वो मेरे लिए ईजी भी है, नज़दीक भी है और पार्ट टाइम जॉब है। वहाँ पर एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जॉब करने वाले कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, यानी कोई भी नौकर नहीं, कोई बॉस नहीं, ना ही कोई मैनेजर, सब एक समान है। आप लोग मेरी बातें भी सुने और ये मेरा टाउन भी देखते चले। आप आई होप कि आप सबको तो ये टाउन पसंद आया होगा। आगे हम चलते हैं जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है। आपको मैकडोनल्ड बाहर से भी बताऊंगी किस तरह मशीन से हम इसको ऑर्डर करेंगे, किस तरह हमारा ऑर्डर पूरा होता है, और फिर हमारा डिजर्ट के जो भी हम बाय करेंगे वो ऊपर लेके चले जाएंगे। आपकी जॉब की खास बात ये है कि यहाँ पर बिना वजह आपको कोई निकाल नहीं सकता और बिना वजह आपको जॉब पर कोई दबा भी नहीं सकता। यहाँ पर ज़्यादातर अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, आपके हेल्थ के मुताबिक ही आपको जॉब करना है, आपको कम्फर्टेबल लगता है आप कर सकते हो तो करना है, वरना कोई फोर्स नहीं करता ज़्यादा। यहाँ पर हमारा इतना ध्यान रखते हैं ये लोग जॉब पर जाने, जो हमारे बॉस का भी बॉस आता है तो वो हमें पूछने आता है कि आपको मैनेजर या कोई बॉस या कोई और बंदे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ जॉब करने में, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जॉब पर आप अगर ओवर टाइम करते हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलती है, अगर आप करना चाहो तो, अगर नहीं करना चाहते तो अपन, बट जब हड्डियाँ चल रही हो तो अच्छे से ओवर टाइम भी कर ही लेना चाहिए ना, अच्छे से पैसा बना लेना चाहिए उसे। देखो यहाँ पर पब पेस्ट्री सेलिंग हो रही है, ज्यादा कैमरा नहीं मार सकता। Thank you.
इनसाइड जाते हैं, ये मैकडोनल्ड का ऊपर बोर्ड है, तो हम इनसाइड जाके और जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन की तरफ, फ़ोन की तरफ जो आपको दिख रहा है, सॉरी मैं आपको ज़्यादा कैमरा किसी ने मना किया है सामने से मुझे मना, वो स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की तरह, तो वहीं से हमें ऑर्डर करना है फूड को। पेमेंट है हमें मशीन पे ही कर देनी है, बस ये इस तरह की मशीन होती है जो मोबाइल की तरह स्क्रीन लगी होती है, तो वहीं पे हमें हमारी चीज़ ऑर्डर कर देनी है, फ़ोटो दिख जाएगी आपको। अगर आपको स्क्रीन पर नहीं समझ आता मशीन में तो कोई बात नहीं, यहाँ सामने भी आप ऑर्डर दे। सॉरी मैं आपको फ़ोन बहुत अच्छे से ऊपर तक, क्योंकि मैं अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा ये कर रही हूँ, क्योंकि ये मैनेजर ने मुझे मना किया कि ज़्यादा फ़ोन में बंदों पे ना मारूं। तो देखो मैं इसी जगह पर अंदर जॉब करती थी, तो यहाँ पर भी हम ऑर्डर कर सकते हैं फूड को। ये हाथ में हमारी जो रिसीप है तो उसमें नंबर लिखा गया है 17 नंबर है, तो जब हमारा नंबर आएगा तो हमें हमारा फूड मिल जाएगा। ये यहाँ पर क्यू लगती है, तो क्यू में अभी ज़्यादा तो रस नहीं है। चलिए उन्होंने हमारा ऑर्डर रेडी कर दिया है, तो अब हम जा रहे हैं हमारा डिजर्ट लेने के लिए। मैंने कुछ ज़्यादा हमने फोन फूड ऑर्डर नहीं किया है बिकॉज के मेरी दाढ़ में दर्द है, तो जाहिर सी बात है हम कोई फूड इधर नहीं खा सकता, तो हमने सिर्फ डिजर्ट आइसक्रीम ले ली है। तो चलिए अब हम ऊपर ही चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर हम बैठ कर आइसक्रीम खाएंगे। तो मैं साथ साथ में आपको दिखा रही है, सिंपल सी आइसक्रीम है, इसमें चॉकलेट डाल दी है बस, ये इसको ज़्यादा चॉकलेट वाली पसंद है, इसकी वजह से मैं हम भी फिर चॉकलेट वाली खा लेता है। सॉरी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मशीन यूज़ करने का नहीं बता पाई, बिकॉज के मैं जैसे ही एंटर हुई तो मुझे सामने से ही मैनेजर ने इशारा बता दिया था कि शूटिंग नॉट अलाउड, बट मैंने इशारा कर दिया था उसे कि मैं अपने बच्चे की बना रही हूँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा तक कैमरे को नीचे ही रखा है। बट आपने जैसा देखा फ़ोन की तरह स्क्रीन होती है मशीन, इसी तरह वही मशीन होती है जो फ़ोन की तरह स्क्रीन लगी होती है, जैसे हमें व्हाट्सअप पे करना है तो व्हाट्सअप क्लिक करते हैं, वैसे भी इसी तो इसमें भी फूड या तो फिर डिजर्ट ड्रिंक जो भी लेना है तो आप इस पर क्लिक करना है, तो बहुत सारे ड्रिंक या बहुत सारे डिजर्ट आ जाएगा, फिर उसी में से आपने चूज़ करना होता है अपनी पसंद का। फिर आप कैश भी दे सकते हो मशीन में, अगर कैश नहीं है तो आप कार्ड भी यूज कर सकती है। और यहाँ पर मुझे कोई भी अपने साथ काम करने वाला बंदा नहीं मिली है, बिकॉज के वो ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे न्यू बंदे काम कर रही है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी कॉलेजेस होगी, मुझे ये तो नहीं पता कि हम कौन सी कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कॉलेजेस है, तो यहाँ पर अब टाउन से कौन सी कॉलेज नज़दीक पड़ती है, कोई भी एक कॉलेज हम पकड़ लेंगे जहाँ पर हम घूमने जाएगी, और वहाँ पर हमें कुछ टूरिस्ट भी देखने को मिलेंगे जो बाहर से ओल्ड बिल्डिंग को देखने के लिए टूरिस्ट आती है, तो वो भी लोग भी मिल जाएंगे। ये मेरा फेवरेट टेबल था, हालांकि उस वक्त ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हर साल हर रेस्टोरेंट में चेंजिंग होती रहती है, क्योंकि ये लोग सब पुरानी चीज़ें फिर